एग्जैक्टली, वी हैव टू चेंज आवर विजन. सिर्फ छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए जी. और कोई आप छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए. बिल्कुल वर्ल्ड लीडरशिप की सोच होनी चाहिए. और न्यूज़ इंटरनेशनल देखा करें, ये लोकल, ये पीटीआई, ये पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, ये इसको छोड़ दें. ये सिर्फ आपको ना मतलब एक बिजी रखने के लिए किया गया. वो आप देखें कि 6 महीने के बाद भी वहीं पे वहीं होगा. वो एक ही जैसे वो पुराने ज़माने में होता था ना, वो कुएं से ना पानी निकालने के लिए बैल होता था, कोल्हू का बैल, वो उधर ही घूमता रहता था. ऐसे लगता था बस अभी कहीं पहुंच जाएगा, वो 10 किलोमीटर चल के भी उधर ही खड़ा होगा. तो यही हमारी न्यूज़ का और मीडिया का है. न्यूज़ देखें तो इंटरनेशनल देखें, वीएन रखें तो इंटरनेशनल रखें. आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए हमारा पास्ट क्या था, हमारा फ्यूचर क्या है. और एक मज़े की बात, हमें ही लगता है कि पता नहीं हम कब से दबे हुए हैं. ऐसी बात नहीं है, ये अभी अभी 150-200 साल पहले ये जहाँ बैठे हुए ये क्या था, एक सुपर पावर थी. मुगलिया सल्तनत, दुनिया में उस वक्त 2 सुपर पावर्स होती थी और दोनों मुसलमान थी, उस्मानिया सल्तनत और मुगलिया सल्तनत. अभी 150-200 साल पहले दुनिया की हिस्ट्री, तो इंसान को कुछ रवायात के मुताबिक 7 लाख साल हो गए. तो ये 200-200 साल 300 साल ही तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. ये तो ऐसे ही है जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं, वैसे आपके पास सब कुछ है, हर चीज़ है. अल्लाह ने करे रास्ते में कुछ हो गया, थोड़ी देर के लिए आपको पैदल चलना पड़ा, इवेंचुअली घर पहुँच गए. तो ये तो थोड़ी देर के लिए वो है, और बहुत थोड़ी ब्रेक है, ये बहुत थोड़ी ब्रेक है. और ये जो सल्तनत उस्मानिया, इसको तो 100 साल हुए मुश्किल से ख़त्म हुए, और इसका टाइम दोबारा आ गया है. फिर वो आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो आपको नज़र आएगा कि अहादीस के मुताबिक, रवायात के मुताबिक स्ट्रेटजीज और जितनी जो जियोपॉलिटिकल नॉलेज है उसके मुताबिक, दिस इज़ द टाइम कि जब वो World War III होगी. दिस इज़ द टाइम व्हेन समथिंग विल हैपन. दे थिंक, Jews थिंक दे वुड टेक ओवर द वर्ल्ड, लेकिन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादों के ऊपर यकीन है. एक्चुअली होगा क्या कि अब ला इलाहा इल्लल्लाह दुनिया में जाएगा, और कहाँ से जाएगा, इस मशरिक की सरजमीन से जाएगा जहाँ जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर कायम है. सबसे पहले आपने ये करना है, बिलीव करना है, एक्शन खुद ड्राइव होगा. अब वो यूनिटी की गेम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मैं उन्हें कोई स्पेसिफिक सजेस्ट तो नहीं कर सकता कि आप जो आपकी प्रोफेशनल फील्ड है उनको नहीं छोड़ना. ये ना हो के सारे मस्जिद में बैठे हुए हों के बस अब सिर्फ जिक्र करना है. नहीं, प्रोफेशनल फील्ड्स को नहीं छोड़ना. आपने अपना जो भी काम कारोबार है वो नहीं छोड़ना, उसी के ऊपर कायम रहना है. जब आपका बिलीफ होगा तो वो खुद ब खुद ड्राइव हो जाएगा. अब मैंने ये सोचा कि अपने जो कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है, जो गेम डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने सोचा, अल्लाह ने ये बिलीफ डाला कि इवेंचुअली आई हैव टू डू समथिंग फॉर द नेशन. अब जो पहला कतरा होता है वो जाकर, या जो पहला फ़र्द होता है वो जाकर जहाद नहीं शुरू कर देता, वो जाकर आर्मी को नहीं टेक ओवर कर देता, वो बिलीफ सिस्टम बनाने लग जाता है. मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि मुझे कुछ और प्रैक्टिकल करना होगा, शायद इवेंचुअली करना भी होगा, लेकिन पहला कतरा ये अल्लाह ने बना दिया कि बिलीफ सिस्टम इंड्यूस कराने में अल्लाह ने लगा दिया. आप भी बिलीव करें तो नेक्स्ट स्टेप पर अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद कहीं ना कहीं एडजस्ट करते जाएंगे. स्टार्ट बिलीविंग फर्स्ट ऑफ ऑल, और जब आप बिलीव करेंगे तो क्या होगा. अब आपको, आपने कुछ सोचा है ना, आप जाएंगे विकिपीडिया पे देखेंगे, अच्छा क्या हुआ था, सल्तनत उस्मानिया कैसे ख़त्म हुई थी, मुगलों ने क्या गलतियां की थी, फिर कितना अरसा हो गया, मतलब कुछ ना कुछ आपका एक्शन ड्राइव होना शुरू हो जाएगा. फिर आपकी थॉट आगे जाती जाएगी तो खुद ब खुद अल्लाह ताला आपसे कोई ना कोई काम ले लेगा, वो एक्शंस खुद डेवलप हो जाएगा.